राजधानी में 25 करोड़ की चोरी से मच गई सनसनी। अब दिल्ली की 25 करोड़ी चोरी का छत्तीसगढ़ में ऐसे खुला राज। इतना कैश और इतनी ज्वेलरी निकली चोरों के पास, देखकर पुलिस भी हैरान। 26 सितंबर को दिल्ली के जंगपुरा में एक ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ की चोरी हो गई। चोर छत काटकर शोरूम में घुसे और उन्होंने दुकान में रखे हीरे और सोने की ज्वेलरी पर लंबा हाथ मारा। अब इस मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को धर लिया। तीनों से पूछताछ जारी है। दिल्ली के जिस शोरूम में चोरी हुई वो अमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन का है। शोरूम मालिकों ने बताया कि दुकान में हीरे और सोने के 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखी थी। जंगपुरा का मार्केट सोमवार को बंद रहता है, सो रविवार की रात वो शोरूम बंद करके चले गए। सोमवार बीता और जब मंगलवार को अपने शोरूम में पहुंचे तो मंजर देखकर उनके होश फाकता हो गए। सोने और हीरे के सारे जेवर गायब, केवल चांदी जस की तस छोड़ दी थी। उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। आपको बता दें, पुलिस को जांच में मालूम चला कि चोर छत काटकर घुसे। उन्होंने पहले शोरूम की चौथी मंजिल पर जाकर छत का ताला तोड़ा, फिर नीचे आए और इसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद कर सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया। हैरत की बात यह है कि स्ट्रांग रूम की 3 दीवारें लोहे की बनी हुई थी, फिर भी चोरों ने उसे काट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शोरूम का सीसीटीवी तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस को एक वीडियो मिला था जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कटी हुई दीवार से चोर दुकान में घुसे थे। वहीं अब छत्तीसगढ़ पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी बिलासपुर संतोष सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक आरोपी के पास से 12.5 लाख रुपए नकद और 18 किलो से अधिक का सोना और हीरे जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि चोरों ने दीवार तोड़कर 25 करोड़ रुपए के गहने चुराए। पुलिस ने चोरों के पास से ज्यादातर गहने और कैश रिकवर कर लिए हैं। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ जब पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में एक काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। तीनों पुलिस, दिल्ली पुलिस, रायपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, दुर्ग पुलिस, सभी दावा कर रही है कि इसमें सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये जो रेड की कार्रवाई जो की गई थी, इसमें काफ़ी समय से, जैसा मैं बताया, हम लोग की टीम काम कर रही थी। कल भी एक जो यहाँ रेड हुआ था उसमें हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद से ये भग के गया था, तो वहाँ उसको पकड़ा। दिल्ली पुलिस भी काफ़ी समय से चोरी के मामले में वो लोगों को खोज रहे थे, वो भी टीम पहुँची हुई थी। तो एक अच्छा, सभी टीमों के लिए एक सफल ये अभियान माना जाएगा और इसमें और चोरियों का भी खुलासा हो सकते हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर को अज्ञात लोगों ने दिल्ली के भोगल इलाके में उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर राजधानी में सनसनी मचा दी थी। वहीं चोरों के पकड़े जाने पर अब शोरूम के मालिकों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं पुलिस का और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करते। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी हैं। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा, हम नहीं कह सकते कितना सामान है, क्या है, क्या नहीं है। जान पा रहे हैं, हमारे टैग लगे हुए हैं, हमारा सामान है, पहचानते हैं, वो हमारा है। बहुत ज्यादा तारीफ है, थोड़ी नहीं, दिल्ली पुलिस की बहुत तारीफ है। जानकारी के मुताबिक शोरूम मालिक ने 24 सितंबर की रात 8 बजे दुकान बंद की और 26 सितंबर सुबह करीब 10:30 पर जब दुकान खुली तो घटना के बारे में चोरी की जानकारी मिली। दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया था कि 30 किलो सोने के आभूषण और 5 लाख रुपए नकद चोरी हुए हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, इस पर अपनी राय दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।